आपको बता दें जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त तेजेंद्र सिंह सोढ़ी सीनियर एडिटर न्यूज 18 जेकेएलएच के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जासमीन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तेजेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। जम्मू कश्मीर की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 3 फेजेस में यहां पर वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ तारीखों का, आरोप लगा दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि यहां कैसे फ्री और फेयर इलेक्शन होगा जब जिस तरीके से चुनाव की तारीखों से ठीक पहले ताबड़तोड़ तबादले हुए हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह भी एक ट्वीट करके इसी तरह का एलिगेशन लगाया था कि जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था तब भी पुलिस ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुला के उनको ड्यूटी पे रखा गया था, लेकिन आज सुबह से ही लगातार जिस तरह से एक के ऊपर एक ऑर्डर आ रहा है, तो उमर अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। लेकिन ये एक जो ट्रांसफर्स होती हैं, किसी भी जगह पर अगर इलेक्शन डिक्लेयर होने वाली होती है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस दे दिया गया होता है, और अभी अगर 3 बजे से पहले ये ट्रांसफर्स हुई हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में नाफिज नहीं था, तो इसलिए ये इलेक्शंस जो यहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके परव्यू में था, उसकी अथॉरिटी में था। हालांकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है और उन्हें अगर ये लगता है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की वॉयलेशन हुई है तो वो एक्शन ले सकते हैं, बट हमारी सुबह से जो एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर प्रशासन में कई आला अधिकारी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने कहा कि एक रूटीन ट्रांसफर्स थी जो काफी देर से ड्यू थी, लेकिन 3 बजे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उस वजह से इसे थोड़ा जल्दी कर दिया गया इन ऑर्डर्स को, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना था तो इस वजह से ये ट्रांसफर्स नहीं हो पा रही थी। बाकी रही बात, देखिए उमर अब्दुल्ला ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उमर अब्दुल्ला ने ये हिंट दिया है कि वो असेंबली इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि डे 1 से उमर अब्दुल्ला इस बात को कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर जब तक एक राज्य का दर्जा ऐसे वापस बहाल नहीं होता, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहेगा, वो यहां पर असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने 2 हिंट्स दिए हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि वो इलेक्शन पर्सनली लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनकी पार्टी के लीडर्स का उन पे बहुत दबाव है और आने वाले समय में वो ये डिसाइड करेंगे क्या वो असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं। साथ में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि उनके जो फादर हैं, उनके जो फादर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन ना लड़े, तो इस वजह से उमर अब्दुल्ला को ये इलेक्शन लड़नी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं हिंट दिया है। हालांकि कल ही फारूक अब्दुल्ला ने कुछ मीडिया बंधुओं से बात करते हुए ये कहा था कि वो बिल्कुल चुस्त हैं और वो ये जो असेंबली इलेक्शन है वो लड़ेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद जो रीजनल पार्टीज है वहां पर, एनसीपी हो या पीडीपी, इनके सामने वजूद का सवाल भी है कि देखिए विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद अब आपका वजूद क्या बचता है, जनता के बीच आप कितनी पकड़ अभी तक बनाए हुए, क्या जनाधार आपका बचा हुआ है, तमाम चुनौतियां हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ तो है ही चुनौतियां, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं दोनों, इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी इस बार का विधानसभा चुनाव। देखिए, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो ज्यादातर इमोशनल इश्यूज पे लड़ा जाएगा, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो ये कहेंगे कि हमारा ये कोशिश रहेगी कि धारा 370 को वापस लाया जाए। हालांकि ये हो नहीं सकता क्योंकि ये पार्लियामेंट का डिसीजन है और पार्लियामेंट ही इस पे कुछ कर सकता है, लेकिन यहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, उनका कहीं ना कहीं 370 को लेकर एक इमोशनल लोगों को इमोशनल इश्यूज से लोगों के पास जाना जो उनकी रणनीति में ये शामिल होगा। देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में हुए उनके जो उनके मुद्दे थे वो एंटायरली डिफरेंट थे, बिल्कुल अलग मुद्दे थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर। इसीलिए हमने देखा कि बारामूला में जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्ट्रांग होल्ड था, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हार जाते हैं और उम्मीदवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यहां पर समझना चाहेंगे उमर अब्दुल्ला ने, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में
इस चीज का स्वागत किया है। तीन चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। पहले अगर उन चरणों को समझ लिया जाए, राजनीतिक समीकरणों को अगर थोड़ा बाद में डिस्कस किया जाए, लेकिन तारीखों को और समीकरणों को बाइफिकेशन किस तरह से रीजन की है अगर उसको समझ लिया जाए तो सर यहाँ पर फर्स्ट फेज में अगर देखा जाए तो डोडा, रामबन, किश्तवाड़, साउथ कश्मीर के साथ उन्हें इन्वॉल्व किया गया है। सेंट्रल कश्मीर की अगर बात की जाए तो सेकेंड फेज में सेंट्रल कश्मीर में चुनाव होने हैं, श्रीनगर भी जिसमें है, पुंछ और राजौरी और रियासी, पीर पंचाल के सदन की रेंज को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। वहीं नॉर्थ कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू, उधमपुर और सांबा, कठुआ के साथ नॉर्थ कश्मीर में चुनाव कराने की बात कही जा रही है। सर इस बाइफिकेशन को अगर आप एनालाइज कर पाएं। देखिए जैस्मिन, इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह का ये समीकरण बनाया है, जैसे आप बता रहे थे कि फर्स्ट फेज में साउथ कश्मीर का पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और जम्मू रीजन का रामबन, किश्तवाड़ और डोडा है। हालांकि ये जिस तरह का मैंने सुबह भी आपसे बात कर रहा था कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने टोपोग्राफी को ध्यान में रखा हुआ है, इसलिए कोशिश ये रही है कि जैसे सुबह भी मैं आपको कह रहा था कि 15 अक्टूबर के बाद कई ऐसे इलाके हैं जो कट जाने थे भारी बर्फबारी की वजह से। हमने देखा है ये जो साउथ कश्मीर और पहाड़ी इलाका जो जम्मू का है, यहां ज्यादातर अर्ली सीजन में बर्फबारी हो जाती है, तो इसलिए यहां पर पहले ही फर्स्ट फेज में इलेक्शन करवाई जा रही है। सेकेंड फेज में जैसे आपने कहा सेंट्रल कश्मीर का गांधरबल, श्रीनगर, बडगाम और जम्मू रीजन में जो साउथ ऑफ पीर पंचाल में पुंछ, रियासी और रजौरी। देखिए जिस तरह का ये पूरा समीकरण बनाया है, थर्ड फेज में बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, देखिए इसमें ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी का ख्याल रखा गया है लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन का भी इस तरह से ख्याल रखा गया है कि अगर एक इलाके में, देखिए साउथ कश्मीर में इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वहां से जितना सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको सेकेंड फेज के लिए सेंट्रल कश्मीर भेजा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप सिक्योरिटी फोर्सेज को एक लोकेशन से दूसरी जगह भेज रहे हैं फिर वापस उनको उस लोकेशन पर वापस ला रहे हैं, तो ये पूरा इस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को उनका जो रिकमेंडेशंस थी उनको मद्देनजर रख के ये डिसीजन लिया गया है कि पहले आप जो संवेदनशील इलाके हैं कश्मीर में जैसे पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, जो एक टाइम पे टेररिज्म का हॉटबेड माना जाता था और आज भी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ देर से आतंकवादी गतिविधियां वहां पर बढ़ी हैं, तो पहले सुरक्षा बलों का फोकस जो है वो यहां पर साउथ कश्मीर में रहेगा। साउथ कश्मीर का जब फेज खत्म होगा फिर इन्हें सेंट्रल कश्मीर में भेजा जाएगा और सेंट्रल कश्मीर के बाद नॉर्थ कश्मीर में। तो इस तरह करके पूरे साउथ कश्मीर का एक फेज, सेंट्रल कश्मीर का दूसरा फेज और नॉर्थ कश्मीर का तीसरा फेज में इलेक्शन होगी ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को टू एंड फ्रो ना भगाया जाए। इसी तरह से जम्मू रीजन के लिए भी जी बिल्कुल साथ ही तेजेंद्र जी, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के दौरान ये आरोप लगा रही थी, खासतौर पर कांग्रेस और फिर इंडिया अलायंस की कुछ जो पार्टीज थी वो ये आरोप लगा रही थी कि बहुत ज्यादा फेजेस में वहां पर चुनाव कराए गए, जनता वहां पर त्रस्त हो गई क्योंकि 7 फेजेस में वहां लोकसभा के चुनाव थे और इस बार क्योंकि 3 फेजेस में ही चुनाव को सिमटाया जाएगा, तो इसको लेकर खासतौर पर उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इस कदम का स्वागत करते हैं, तो साथ ही क्या माना जाए कि बाकी राजनीतिक पार्टियां भी कहीं ना कहीं 3 फेजेस में जो चुनाव कराने की बात कही जा रही है उसको लेकर खुश नजर आएंगी बनस्पत लोकसभा चुनाव के? देखिए जैस्मिन, जम्मू कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका यह कहना था कि आप चुनाव तो करवा दीजिए, अब अगर चुनाव को डिक्लेयर कर दिया है और 3 फेजेस में ये करवा रहे हैं तो उन पॉलिटिकल पार्टीज की जो मुराद थी पिछले 10 साल से वो पूरी हुई है। अब उस पे वो अगर इस बात पे भी राजनीति करें कि हमें ज्यादा फेजेस चाहिए थे तो ये उनके बेनिफिट के लिए नहीं है। देखिए जितनी जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन यहां पर कंप्लीट कर दिए जाएं, देखिए जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाना कोई आसान काम नहीं होगा। 90 सीटें हैं यहां पर डिलिमिटेशन के बाद और इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर फिर से आतंकवाद ने फिर से अपना सर जो है वो उठाना शुरू किया हुआ है, तो क्योंकि सिक्योरिटी का एस्पेक्ट रहेगा और सुबह से जैस्मिन आप और मैं कई बार बात कर चुके हैं, आप भी जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह से समझती हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां पर टोपोग्राफी, जियोग्राफी जो जम्मू कश्मीर की है उसे मद्देनजर रखा जाएगा जब भी कोई असेंबली इलेक्शन का डिसीजन होगा। अब जो ये डिसीजन लिया गया है क्योंकि इसमें कई इलाके हैं, जैसे हम साउथ कश्मीर की बात करें अगर वो पहले फेज में इलेक्शन में जा रहा है, जम्मू के जो पहाड़ी रीजन है वो पहले फेज में जा रहा है, उसका रीजन यही है क्योंकि ये
जो इलाके हैं ये भारी बर्फबारी के बाद बंद हो जाते हैं, यहाँ पर उतना ज्यादा एक्सेस नहीं रहता। कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर वोटर्स को पोलिंग बूथ पर आना आसान नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि इन दूरगामी जो दूर दराज के इलाके हैं अगर वहां पर पहले इलेक्शन करके वहां फ्री हो जाए तो एक बड़ा वेलकम कदम है। और देखिए जैस्मिन, असेंबली इलेक्शन अगर यहां पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप नहीं करवा पाते तो फिर ये असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अप्रैल के अगले साल अप्रैल तक पोस्टपोन हो जानी थी, क्योंकि अभी जैसे मैं कह रहा था कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से तमाम प्रतिक्रियाएं